पंच भी बोलते हैं, सपोज कोई बात करने आ रहा है, ये राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी दोनों साइड से थ्रो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर ये पंच थ्रो करेगा तो इसकी रेंज क्या है ना, इतनी है, जिस रेंज से ये पंच आता है अगर हम उसके एकदम परफेक्ट रेंज में पड़ गए तो ये कम्प्लीटली नॉकआउट है। अगर मैं इससे दूर हटता हूँ वन, तो कंटिन्यूसली अटैकिंग करता जाएगा, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है रोकने के लिए। तो कई लोग इसको 360 से रोकते हैं, जैसे कि ये डिफेंस। मोस्टली क्या होता है कि ये जो पंच की पावर होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इसने पंच किया, मैंने 360 किया, अगर मैं यहाँ हूँ तो ये मेरे को यहाँ पड़ सकती है, चिन पे पड़ सकता है, यानी कि नॉकआउट। 360 के लिए मुझे इससे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, ये जो कि इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि ये रिप्स पे हिट कर दे, ये ब्लॉक करते टाइम रिप्स हिट, ये ब्लॉक करते टाइम चेस्ट। तो क्या है, इसका जो डिफेंस है ना वो बेसिकली है ये। देखो तो जितना पंच के हम क्लोज जाते जाएंगे उतनी पंच की पावर क्या है ना कम होती जाएगी, और जितना हम इसके दूर जाएंगे पंच की पावर बढ़ती जाएगी। तो हमें सबसे पहले इसकी क्लोज जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, पीछे गार्ड, साइड से गार्ड, पंच आया पीछे गार्ड, ये देखो अगर ये पंच यहाँ हिट होता है तो इस जगह हमारा गार्ड। दूसरा, जैसे ही इसने अटैक किया इसके साथ हमें भी अपना एक अटैक करना है, जिसको कि साइमल्टेनियस अटैक बोलते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट अटैक एंड यहीं से ग्रैब करना है इसको, आर्म ग्रैब एंड गर्दन को, वन टू डबल हिट, वन टू एंड लॉक, आर्म लॉक, हिट कर सकते हो, हिट कर सकते हो, हिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं।